सरफेस टेंशन आपने यहां देखा, देखो वो जो बीच में छल्ला आपने, चलो थोड़ा सा यहां बना के देखते हैं उसे, कि क्या किया था पहले वाले एक्सपेरिमेंट में। आपने देखा कि वो एक सर्किल है, प्लास्टिक प्लास्टिक का कोई ये सर्किल है, और इस सर्किल के बीच में अंदर बना ली क्या, एक फिल्म बना ली, सोप बबल सोप फिल्म बना ली है। इसके बीच में डाला एक धागा ऐसी सी शेप का, और जैसे ही इस धागे के अंदर वाली फिल्म को तोड़ा तो इसने बिल्कुल एकदम शार्प सर्कुलर स्ट्रक्चर ले लिया। यहां की फिल्म गायब हो गई और कहाँ रह गई फिल्म, अब बाहर रह गई। सर्कुलर स्ट्रक्चर इसने ले लिया, इसका मतलब कोई तो है फोर्स जो इस धागे को खींच रही है कहाँ, बाहर की तरफ। कोई तो है जो इस धागे को बाहर की तरफ खींच रही फोर्स। ऐसे ही दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि ये फ्रेम था पूरा, इस फ्रेम में यहां एक वायर डला हुआ है ताकि आसानी से मूव कर सके, और ये फिल्म, एक साइड की फिल्म जैसे ही उन्होंने तोड़ी, तुरंत ये वायर अपने आप मूव करके चला गया। मतलब ये जो फिल्म है ये खींच रही है वायर को, कैसे खींच रही है, ध्यान देखिए कि ये यहां इस कंडीशन में, इस कंडीशन में भी, दोनों ही कंडीशन में जो फिल्म है ये अपने सरफेस को सिकोड़ने की कोशिश में है। अब ये वाली सरफेस यहाँ तो किनारे इसके बंद है, चल नहीं सकते, तो फिर जहां वायर को चलने के लिए आपने फ्री किया हुआ, ये वायर चल के दूसरी साइड पहुंच गया पूरा। ये सरफेस अपने आप को कम करने की कोशिश में लगी हुई है, यही सरफेस टेंशन है, यही सरफेस टेंशन है। हर लिक्विड अपनी कोशिश में लगा रहता है, कोशिश सफल हो पाई या ना हो पाई ये अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन हर लिक्विड की एक टेंडेंसी है कि अपनी सरफेस को घटा ले, अपनी सरफेस को कम कर ले, कम से कम कर ले अपनी सरफेस को। और सरफेस को डिक्रीज करने की ये टेंडेंसी, ये प्रॉपर्टी ही कहलाती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इतनी बात समझ आई? अब ये क्यों होता है, किसी को प्रॉब्लम कोई पूछ रहे थे? अभी क्यों क्यों ये लिक्विड अपने सरफेस को घटाने की कोशिश में लगा रहता है? ठीक है, बड़े काम की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। हमारी लाइफ में बहुत जगह सरफेस टेंशन यूज होता है, बहुत जगह सरफेस टेंशन यूज होता है। आप सुबह सुबह मम्मी से कहते हो मम्मी चाय ठंडी हो गई बिल्कुल भी, जरा इसे गर्म कर दो। ठंडी चाय में आपको बिल्कुल मजा नहीं आता, गरम चाय का जो टेस्ट है वो अलग ही है। चाय ठंडी होती तो यार बेकार। सरफेस टेंशन है ये, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है। गरम चाय का सरफेस टेंशन कम होता है, आपकी जीभ बता देती भाई यार मजा नहीं आ रहा, सरफेस टेंशन इसका बढ़ गया। ठंडी होते ही सरफेस टेंशन बढ़ जाता है ठंडे होते ही। और इसके कॉन्ट्रेरी कोल्ड ड्रिंक, जब आप पियेंगे चिल्ड मजा आ जाएगा, और अगर गर्म हो रही है तो वहां भी, वहां उल्टा प्रोसेस हो रहा है कि जब वो चिल्ड कंडीशन में है तो कार्बन डाइऑक्साइड ढेर सारी घुली हुई इसके अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो घुली हुई है वो सरफेस टेंशन कम कर देती है। लेकिन अगर गर्म हो गई, वो ग्लास में निकाल कर रख दी 10-15 मिनट, सारी कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट हो गई, और फिर जो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज कर रखा था कार्बन डाइऑक्साइड ने, वो बढ़ गया। सरफेस टेंशन बढ़ गया तो हमारी जो टंग्स होती है वो टंग्स के ऊपर पूरी फैल नहीं पाती। जो टंग्स के ऊपर क्या होते हैं बायो बच्चे बताना कोई, टेस्ट बड्स, तो वो टेस्ट बड तक पहुंच ही नहीं पाती वो सरफेस टेंशन, हाइट सरफेस टेंशन की वजह से, तो टेस्ट नहीं है। जब टेस्ट बड में पहुंचेगी नहीं जो चीज, तो टेस्ट कैसे लगेगा उसका, टेस्ट कैसे लगेगा उसका। अगर आपकी कहीं जरा सी, कहीं किसी शर्ट पर, कपड़ों पर अगर पानी गिर जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं, लेकिन खाना खाते हुए जरा सा सब्जी गिर गई, यार आज मम्मी फिर डांटेंगी, सब्जी गिरा के लाया, सब्जी गिरा के लाई,
रीजन कि सब्जी गिरेगी तो इतनी जगह, 1 घंटे बाद वो इतना बड़ा स्पॉट दिखाई देगा आपको। गिरेगी तो ऑयल की एक बूंद इतनी सी, 1 घंटे बाद इतना बड़ा दिखाई देगा, और मम्मी के परेशान हो जाएंगे इसे निकालने में। उसका सरफेस टेंशन बहुत कम है, घुस जाता अंदर तक, थ्रेड्स के जो है धागे हैं, धागों के अंदर तो घुस जाता है ऑयल। फिर उसे रिमूव करने के लिए कोई ऐसी चीज जिसका सरफेस टेंशन उससे भी कम हो, यानी कि डिटर्जेंट। और अगर फिर भी ना निकल पाए क्या, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। एक बात सुनो, ये कहां से निकाल लिया आपने, बड़ी है हैं? हाँ, अगर पानी से भी ना बात बन पाए, तो अगर वो ऑयल का दाग डिटर्जेंट से भी ना निकल पाए, जैसे कोट आपने पहन रखे, नहीं निकल पाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? अब फिर और भी कम सरफेस टेंशन वाला लिक्विड चाहिए, जो इन्होंने अभी अभी बताया, पेट्रोल। निम सिंपल सी बात है, पेट्रोल या पेट्रोल जैसा कोई एक मटेरियल या स्पिरिट है जिसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। सरफेस टेंशन कभी आपने तो नहीं चांस पड़ा होगा आपका, अभी आप छोटे हो, कि शहद, शहद अगर हनी हनी की प्योरिटी अगर आप चेक करना चाहें, तो सरफेस टेंशन हनी की प्योरिटी को, सरफेस टेंशन बता देता है कि हनी आपका, शहद आपका प्योर है, बढ़िया क्वालिटी का ये, या इसमें कोई मिलावट है। सरफेस टेंशन बता देता है। कैसे बता देता है सरफेस टेंशन? एक साफ कागज लीजिए, सूखा, पूरी तरह से आप शहद में डुबो दीजिए, उसे बाहर निकाल लीजिए और उसका शहद ऊपर से हटा दीजिए उंगली से या किसी भी चीज से। कागज को बजाइए, कागज शहद में डूबे होने के बावजूद खड़ 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 बजेगा वो। और अगर जरा सा भी 1% 2% भी उसके अंदर पानी है या गुड़ मिला रखा है, चाशनी मिला रखी, तो वो गुड़ क्या होगा, चिपक जाएगा। जो कागज की कड़कनेस है, खड़क है ये कागज की, खत्म हो जाएगी। सरफेस टेंशन बताया जाता है, सरफेस टेंशन हनी का, सर प्योर हनी का सरफेस टेंशन इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो कागज को, कपड़े को भिगो ही नहीं सकता। कागज या कपड़े को चिपक तो जाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, भिगो ही नहीं सकता उसको। आप अपनी शर्ट के ऊपर एक बूंद शहद डाल दीजिए, पूरी साफ नीचे उतर जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं, चिपकेगा नहीं। लेकिन अगर उसमें जरा सा भी गुड़ या चीनी मिली हुई है, वहीं चिपक जाएगा, वहीं रुक जाएगा वो। जब आपके घर में पेंट होता है, तो पेंट वाले भैया आपके पापा से कहते हैं, भैया जी वो लाना कंपनी का। अब मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, मैं पब्लिसिटी नहीं करना, अरे कम लोकल मत उठा के लिया ना, कंपनी वाला लेकर आना। क्यों, उसे पता है क्या कि जो कंपनी में और लोकल में डिफरेंस है, वो सरफेस टेंशन के डिफरेंस है। कंपनी वाली एक बाल्टी जो है वो पूरी दीवार इतने को रंग देगी, लेकिन लोकल वाली बाल्टी में पता लगेगा 1.5 बाल्टी खर्च हो गई, अभी दीवार बची हुई है। जितना कम सरफेस टेंशन उतना ही तकड़ा स्प्रेड उसका, उतना ही ज्यादा फैल जाता है। यही डिफरेंस है लोकल में और कंपनी वाले पेंट्स में, कि उनका सरफेस टेंशन कम है, सेम क्वांटिटी बहुत बड़े एरिया को कवर कर जाएगी। सरफेस टेंशन कम किया हुआ है, कैसे कम किया हुआ, वो उनके सिगरेट्स हैं, कंपनी वालों की सिगरेट्स हैं, वो कैसे कम किया हुआ उन्होंने, या उनकी कॉस्ट है। शायद कभी आपके साथ चांस पड़ा हो कि आपका थर्मामीटर, जो मुंह में लगा के मरकरी वाला थर्मामीटर है, वो टूट गया, तो उसकी जो मरकरी के पार्ट बूंद होंगी, मरकरी की जो ड्रॉप्स होंगी, वो गोल गोल सी होती हैं। कभी आपके साथ शायद चांस नहीं हुआ हो। घर जाके तोड़ मत देना। तो वो बूंदे गोल 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 ऐसी ही रखी रहेंगी, या सिंपल सी बात है, आप सबने देखा है आजकल तो खूब बढ़िया अरवी के पत्ते, या कुछ चीज जैसे, जो अरवी के जैसे करेक्टरिस्टिक वाले पत्ते होते हैं, वो उसकी बूंद बिल्कुल प्यारी सी गोल गोल छोटी छोटी बूंदे उसके ऊपर पड़ी रहती हैं, फैलती नहीं है वो।
गोल गोल स्फेरिकल शेप में बनी रहेगी, अगर वो बहुत बड़ी नहीं है तो। अगर बहुत बड़ी भी है तो भी उसके जो किनारे हैं वो स्फेरिकल होंगे, बीच में से चपटी हो जाएगी लेकिन किनारों पे स्फेरिकल। क्यों वो अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश में है? लिक्विड की सरफेस, लिक्विड अपनी सरफेस को सिकोड़ने की कोशिश में है, जहां तक भी मौका मिलता है उसे सिकोड़ लेता है। अगर कोई दूसरी फोर्सेस सिकोड़ने से रोक रही है तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई फोर्स उसे सरफेस को कम होने से नहीं रोक रही तो लिक्विड अपनी सरफेस को कम करने की कोशिश में करता है। आप एक बूंद ऐसे ड्रॉप गिरा दो, जब आप किसी ड्रॉपर से या कहीं से एक ड्रॉप गिराएंगे तो जहां से भी वो ड्रॉप निकल रही है, ड्रॉप इस शेप में निकलती है ना, इस शेप में ड्रॉप निकलती है, लेकिन यहां से छूटने के तुरंत बाद एकदम स्फेरिकल हो जाएगी, तुरंत स्फेरिकल हो जाएगी। आप करके देखो कहीं, या पानी बारिश की बूंदे नहीं है, बारिश की बूंदे सारी स्फेरिकल है। कभी आपने ट्रायंगुलर या कुछ और शेप की देखी है? नहीं, क्योंकि जब वो बारिश की बूंद गिर रही है, फ्री फॉल में है, फ्री फॉल में है बारिश की बूंद, तो केवल उसके ऊपर एक ही फोर्स काम कर रही है। कौन? ना ना ना, ग्रेविटी तो काम कर रही है, वो तो उसका यूज्ड अप हो गई उसके फॉल में, लेकिन सर लिक्विड के ऊपर कौन? सरफेस टेंशन केवल। उस टाइम कोई सरफेस टेंशन को कोई रोकने वाला नहीं है, तो अब वो बूंद अपने आप को कम से कम सिकोड़ लेगी। और शायद मैथमेटिक्स में, लिमिट्स वगैरह में आपने पढ़ा हो कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर ऑफ सरफेस इज मिनिमम। फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और एनीथिंग, सरफेस सरफेस जो है वो सबसे कम किस स्ट्रक्चर की है? स्फीयर की। जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे स्फेरिकल हैं, एक भी तो ऐसा नहीं है जो स्फेरिकल से कुछ और स्ट्रक्चर का हो, अगर वो सॉलिड होने के बाद टूट नहीं गया तो। सारे के सारे स्फेरिकल है। क्यों है स्फेरिकल? ये मोर और लेस लिक्विड है सारे, और लिक्विड लगातार अपनी सरफेस को कम करने की कोशिश में कैसे स्फेरिकल शेप गेन कर लेता है। आप कोई चीज प्लास्टिक की गर्म कर दो, देखो ये स्ट्रक्चर है, ये नुकीला सा स्ट्रक्चर है यहां पर, ये जरा से इसे लौ पे गर्म कर दो, फौरन गोल हो जाएगा, फौरन गोल हो जाएगा ये, जरा से लौ पे। क्यों? क्योंकि अभी तो सॉलिड है, सरफेस टेंशन का कोई रोल नहीं है, सरफेस टेंशन का कोई मीनिंग ही नहीं सॉलिड में। आपने इसे जरा से गर्म किया, क्या बन गया? ये लिक्विड बन गया। लिक्विड बनते ही सरफेस टेंशन इफेक्टिव हो जाएगा, और वो क्या करता है अपनी सरफेस को कम करने के चक्कर में, कम करने के लिए स्फेरिकल। तो कि अगर कोई बहुत शार्प एज की चीज है आपके पास, इनफैक्ट जो आपके ग्लासेस होते हैं जो यूज करते हैं, जिसमें हम पानी पीते हैं, कांच के, चीनी के ग्लास, इनको जब बनाया जाता है तो इंटेंशनली इनके किनारों को गर्म कर दिया जाता है फाइनल फिनिशिंग में। जो कांच का गिलास है आपका, कांच के गिलास का जो ऊपर का किनारा है, बनाते टाइम, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम, उसका जो लास्ट फिनिशिंग प्रोसेस है, उसमें एक बार उसे हीट अप कर दिया जाता है इंटेंशनली। अगर कहीं हल्की सी भी खराश हुई कांच में तो काट देगी वो होल, लेकिन जब आपने उसे पिघला लिया, लिक्विड स्टेट में आ गया, तो लिक्विड स्टेट अपने आप को स्फेरिकल स्ट्रक्चर करेगा, और वो जो भी जितने भी कट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर, अगर है कोई कट, तो अपने आप ही वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। उसके किनारे कैसे बन जाएंगे? स्मूथ बन जाएंगे, अब उससे कट के कोई चांस नहीं है। कभी शायद कभी कभार आपने देखा हो किसी गिलास में रह जाता है, किसी स्ट्रक्चर में रह जाता है, स्पेशली जो लो क्वालिटी वाले होते हैं उनमें कहीं कहीं एक आध चीज रह जाती है। बहुत ज्यादा यूज है हमारे लाइफ में सरफेस टेंशन के। तो ये सरफेस टेंशन मतलब लिक्विड का अपनी सरफेस को कम करना जहां तक भी संभव हो सके। मिनिमम पॉसिबल कौन सा है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो क्यों लिक्विड ऐसा करता है? लिक्विड ऐसा करता ही क्यों है? इससे पहले हमने एक वर्ड शायद पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मुझे ध्यान नहीं, चलो देख लेते हैं। ये आपका एक मॉलिक्यूल है, क्या है? मॉलिक्यूल है ये एटम। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो एटम, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो मॉलिक्यूल।
इस मॉलिक्यूल या इस एटम के चारों तरफ, इस मॉलिक्यूल या इस एटम के चारों तरफ थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल रीजन होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस किसी मॉलिक्यूल या एटम के चारों तरफ का वो थ्री डायमेंशनल स्पेस है जिस स्पेस में अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए तो ये इसे अटैक करेगा और खुद भी इससे अटैक होगा, है ना। अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है तो इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर है बात इतनी? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा होता है, कुछ का छोटा होता है, डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का अपना स्ट्रक्चर कैसा है, करेक्ट। अब इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के हिसाब से हम समझेंगे कि लिक्विड अपनी सरफेस को कम क्यों करता है, क्यों वो कम करने की कोशिश में लगा रहता है भले ही कोशिश वो सफल ना हो पाए। सफल हो पाए या ना हो पाए कोशिश वो एक अलग बात है, लेकिन लगातार ये अपना सरफेस कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। कैसे? ये एक लिक्विड की सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, लिक्विड सरफेस है ये, कहीं भी हो सकती है, किसी भी लिक्विड की सरफेस ही हो सकती है, किसी भी लिक्विड की सरफेस, ठीक है। अब ये बिल्कुल आपका वो सरफेस है जिसके नीचे लिक्विड है और ऊपर क्या है, एयर है, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ कर रहा हूं जिन मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है। ये एक मैंने पॉइंट मॉलिक्यूल बनाया और ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, करेक्ट। कहां है ये? इट इज वेल इनसाइड द लिक्विड। मॉलिक्यूल और उसका पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वेल इनसाइड द लिक्विड है, करेक्ट। अब इस एक मॉलिक्यूल में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सब इसे अट्रैक्ट करेंगे और ये भी उन्हें अट्रैक्ट करेगा। अब यहां मैं देखूं, मैंने देखा कि यहां स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर तीन मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इसकी अपोजिट साइड में क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो दूसरी अपोजिट साइड में भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, तीन मॉलिक्यूल। यानी तीन मॉलिक्यूल तो इसका हाथ पकड़कर इधर खींच रहे हैं और तीन मॉलिक्यूल इसका हाथ पकड़कर इधर खींच रहे हैं। किसी भी डायरेक्शन में आप ले लो, किसी भी डायरेक्शन में आप ले लो, इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, तो इस पर नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स जीरो हो गई। समझ आई थी ना? अब एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहा हूं जो बिल्कुल इस तरह से है कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज जस्ट टचिंग द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जो इस सरफेस को जस्ट टच कर रहा है, जस्ट टचिंग है लेकिन लिक्विड के अंदर ही, वेल इनसाइड द लिक्विड, जस्ट टचिंग द सरफेस, करेक्ट। तो इस कंडीशन, इसके लिए भी वही कंडीशन बनेगी कि जितने मॉलिक्यूल यहां उतने ही मॉलिक्यूल दूसरे साइड, जितने मॉलिक्यूल इधर है उतने ही अपोजिट साइड, नेट फोर्स इस पर भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब एक एक मॉलिक्यूल कंसिडर आप कीजिए जिसका कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कुछ पार्ट लिक्विड सरफेस के बाहर निकल गया, ऊपर आ गया, ऊपर है लिक्विड, ये ऊपर है ये मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल का कुछ थोड़ा सा पार्ट, पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये छोटा सा पार्ट बाहर निकला हुआ है। अब इसमें कंडीशन बदल गई, यहां देखें तो मॉलिक्यूल है तीन लेकिन यहां देखें तो मॉलिक्यूल है दो, दो मॉलिक्यूल क्योंकि एयर है, ऊपर एयर है, एयर में तो कम मॉलिक्यूल्स हैं, एयर में मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द लिक्विड, एयर की डेंसिटी कम है, तो हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कहाँ होगी, इनटू द लिक्विड, इधर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे इधर मॉलिक्यूल कम होंगे, तो कुल मिलाकर इस पर एक नेट फोर्स हो गई, नेट फोर्स हो गई कहाँ, इनटू द लिक्विड।
अब एक मॉलिक्यूल लिक्विड का वो जिसका कि जो बिल्कुल एग्जैक्टली सरफेस ऑफ लिक्विड पर है और इसका आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड के बाहर जा रहा है, आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड के बाहर जा रहा है, आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड के अंदर है। तो अब यहाँ क्या होगा, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे और लिक्विड के बाहर एयर के मॉलिक्यूल्स तो बहुत कम होंगे, तब इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगी नेट इनटू द लिक्विड। बहुत सारी फोर्सेस लगेंगी इधर 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 इधर, उन सब का इफेक्ट क्या होगा, नेट फोर्स इनटू द लिक्विड, करेक्ट। अब देखिए एक एक मैं लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं यहां, ये एक लाइन और ड्रॉ कर ली, कौन सी लाइन हो गई, ये वो लाइन हो गई जिसकी जो लिक्विड ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड से ठीक डायमीटर के बराबर नीचे है, और किसका डायमीटर, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का डायमीटर, करेक्ट। अब देखना मैं इस इन दोनों लाइंस के बीच में हल्की सी शेडिंग कर रहा हूं, ये राइट। आप देखिएगा कि इस रीजन में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स पर एक फोर्स लग रही होगी, नेट फोर्स इनटू द लिक्विड, है ना। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है कहां से, सरफेस से लेकर के कितनी गहराई तक का रीजन, जितना कि डायमीटर ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इस रीजन को बोलते हैं हम सरफेस फिल्म, क्या बोलेंगे, सरफेस फिल्म। तो कुल मिलाकर के सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स पर एक फोर्स लगती है इनटू द लिक्विड, जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में आ गए। अब ये मॉलिक्यूल है, इस पर लग रही है फोर्स इनटू द लिक्विड, मतलब बाकी सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल इसे खींचकर अंदर लाने की कोशिश में है, लेकिन ये मॉलिक्यूल तो चलने के लिए फ्री है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्री है मोशन के लिए। तो क्या होगा जब इसे 1,000 लोग खींच रहे हैं, तो खिंचका आ ही जाएगा अंदर, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस से खींच के अंदर आ गया, लेकिन फिर यहाँ वैक्यूम तो नहीं बनेगा, इसकी जगह लेने के लिए कोई और मॉलिक्यूल आ गया, उसके साथ भी फिर यही किस्सा होगा। कोई भी मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है उस पर एक फोर्स लग रही है, नेट फोर्स इनटू द लिक्विड, खींच ही लेते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, उसे छोड़ते नहीं है सरफेस पर, खींच ही लेते हैं अंदर, राइट। उसकी जगह कोई और मॉलिक्यूल आ गया, खाली जगह तो बचती नहीं, उसके साथ भी फिर ये होगा, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे। हो सकता है जो खींचने वाला वो लिक्विड के सरफेस पर आ जाए, जैसे ही वो लिक्विड के सरफेस पर आएगा फिर दूसरे पकड़ के उसे नीचे खींच लेंगे, है ना। अच्छा अब इसका एक उल्टा कन्वर्स केस आप समझिए, एक लिक्विड है आपका और एक वेसिल के अंदर लिक्विड आपका रखा हुआ है, ये यहां तक लिक्विड भरा हुआ है इसमें। अब सेम लिक्विड को मैंने लार्ज क्रॉस सेक्शन वाले वेसल में डाल दिया, वही लिक्विड है। अब बताना जरा ध्यान से, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ना यहाँ लिक्विड के, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, 10,000 मॉलिक्यूल है, लेकिन जब इसका सरफेस बढ़ गया तो अब कितने मॉलिक्यूल हो गए, हो सकता है 100,000 मॉलिक्यूल्स हो जाए, क्योंकि सरफेस बढ़ गया ना। हाँ? अब इस प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ा, पहले 1,000 मॉलिक्यूल थे, यहाँ 10,000 मॉलिक्यूल थे, अब हो गए 10,000, 100,000, तो यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को लिक्विड के अंदर से निकाल करके आपको लिक्विड की सरफेस पर लाना पड़ा। लार्जर द सरफेस क्या मतलब, लार्जर द सरफेस, लार्जर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, ठीक है। लेकिन लिक्विड की टेंडेंसी क्या है, लिक्विड की टेंडेंसी यह है कि मॉलिक्यूल को सरफेस पर नहीं रुकने देना, सरफेस पर कम से कम मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, मतलब लिक्विड अपने मॉलिक्यूल्स को चाहता ही नहीं कि कोई मॉलिक्यूल सरफेस पर रहे, अपने सरफेस पर कम से कम मॉलिक्यूल्स को रखना चाहता है,
तो कम से कम मॉलिक्यूल्स कब होंगे, जब जब सरफेस को सिकोड़ लिया जाए, यही टेंडेंसी है सरफेस टेंशन। हर लिक्विड अपनी सरफेस पर कम से कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखना चाहता है, जितना भी कम से कम पॉसिबल हो पाए, जितना कम से कम हो पाए। अगर स्फेरिकल स्ट्रक्चर गेन करने के लिए फ्री है वो, तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर गेन कर लेगा, लेकिन यहाँ आपके इस वेसल में पड़ा हुआ है, यहाँ तो वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर गेन नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी इसकी टेंडेंसी बनी हुई क्या कि सरफेस को क्या कर ले, कम कर ले, सरफेस को कम कर ले। क्यों? क्योंकि सरफेस पर आते ही जो भी मॉलिक्यूल होगा उस पर फोर्स लगेगी इनटू द लिक्विड, और वो खींच के अंदर चला जाएगा, वापस अंदर चला जाएगा। क्लियर हुई बात ये? तो हर लिक्विड की प्रॉपर्टी है क्या, अपनी सरफेस पर कम से कम मॉलिक्यूल्स को रखना, कुल मिलाकर के अपनी सरफेस को ही कम कर लेना। जब मॉलिक्यूल्स कम कब होंगे सरफेस पर, जब सरफेस ही छोटी हो जाए। हर लिक्विड की एक टेंडेंसी है कि वो अपनी सरफेस को कम से कम करने की कोशिश में लगा रहता है, कोशिश करता है, टेंडेंसी है उसकी ये, हो जाए जरूरी नहीं है, और दूसरे फैक्टर्स भी काम कर रहे होंगे तो हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन लिक्विड की लगातार एक कोशिश बनी हुई है क्या कि अपनी सरफेस को कम से कम कर ले, सरफेस एरिया को कम से कम करे, और यही प्रोसेस, यही फिनोमिनन कहलाता है क्या, सरफेस टेंशन। ठीक है, लिखे इसे, हेडिंग डालिए सरफेस टेंशन। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड लिखो, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू मिनिमाइज इट्स ओपन सरफेस और टू डिक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ओपन सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ड्यू टू सरफेस टेंशन द ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव एज इफ अ स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, ये बात समझ आए? स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन का मतलब भाई, ये सपोज ये गुब्बारा है, काट के मैंने गुब्बारे को अपने हाथ में पकड़ के ऐसे खींच लिया ऐसे, तो खींचा हुआ गुब्बारा क्या कोशिश करेगा, अपनी सरफेस कम करने की कोशिश करेगा। और ऐसे ही हर लिक्विड की सरफेस अगर वो मिनिमाइज हो गई है स्फेरिकल स्ट्रक्चर गेन करके, तब भी उसकी टेंडेंसी बनी हुई है, लेकिन ये तो नेचर है कि जो स्फेरिकल से कम सरफेस होने ही नहीं दे रही उसको, मिनिमम पॉसिबल सरफेस किसकी, स्फीयर की, इससे कम हो नहीं सकती, लेकिन जब स्फेरिकल स्ट्रक्चर गेन कर लिया है किसी लिक्विड में, तब भी उसकी टेंडेंसी लगातार बनी हुई कि और कम कर लो, और कम कर लो, और कम कर लो, हो सके तो और कम कर लो, कम हो पाए ना हो पाए एक अलग बात है, और किस सरफेस की टेंडेंसी होती है अपने आप को कम करने की, एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, खिंची हुई एक मेम्ब्रेन, खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह से काम करती है। ओपन सरफेस याद रखिएगा, ओपन सरफेस मतलब वो सरफेस जो लिक्विड और एयर को सेपरेट कर रही है, जो सरफेस आपकी लिक्विड का जो पार्ट टच हो गया किसी सॉलिड से, वहां ओपन सरफेस खत्म हो गई, वहां सरफेस टेंशन का कोई काम नहीं आएगा आपका, राइट? स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव करता है, मतलब अच्छा ये मैंने अपने हाथ में ऐसे हैंगी पकड़ लिया, स्ट्रेच्ड है ये, स्ट्रेच्ड है ये, अब इसके ऊपर अगर आप एक 10 20 50 ग्राम का एक पत्थर रख दें तो ये संभाल लेगा ना उसको, अगर आप इस पे 2 किलो का बाट रख दें तो नीचे फाड़ के इसे हो सकता है निकल जाए, 2 किलो का निकलेगा तो 5 7 किलो का, एक 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 ले वेट, एक जरूर से ज्यादा इसका वेट रख रख दिया, नहीं मेरे हाथ मजबूत है वो नहीं, मैं खींच के रखा हुआ है, तो वो इस मेम्ब्रेन को तोड़ के अंदर निकल जाएगा, है ना? और ये जो खींची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेवियर है, ये हमारे लिए एक परेशानी का सबब भी है। कैसे है कि
क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं मच्छर। आप देखिए पानी के ऊपर मच्छर बड़े आराम से तैरते हैं, बैठ जाता मच्छर पानी के ऊपर, पानी के ऊपर मच्छर बैठ जाता है, मक्खी नहीं बैठ पाती। मक्खी को कभी भी आपने पानी के ऊपर बैठे हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि पानी की सरफेस एक खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह से काम कर रही है, और मच्छर हल्का है, वो खिंची हुई मेम्ब्रेन उस मच्छर के वेट को संभाल लेती है। तो मच्छर को पता है कि मैं पानी के ऊपर बैठूंगा और पानी का जो सरफेस टेंशन है वो मेरा वेट संभाल लेगा, इसलिए मच्छरों को बड़ा पसंद है पानी के ऊपर फ्लोट करना। पानी के ऊपर आप देखो कहीं भी पानी, थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाए उसके ऊपर मच्छर बड़े आराम से फ्लोट करते रहते हैं, तो वो तो मच्छर है ना, उन्होंने तो केवल सरफेस टेंशन पढ़ रखा है। अब हम इंसान हैं, हमने सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ रखी है कि इसमें मैनिपुलेशन कैसे किया जाए, ऑल्टरनेशन कैसे किया जाए। तो आप अब जैसे ये सीजन चल रहा है अक्टूबर नवंबर का, तो जगह जगह आप कैप्शन और एडवर्टाइजमेंट जरूर देखते होंगे कि पानी भरा ना रहने दे, है ना। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि पानी भरना हमें रिक्वायर्ड है, मतलब कूलर है भाई, पानी नहीं भरेंगे तो काम कैसे करेगा। चलो अब तो कूलर पंखे बंद हो गए, लेकिन अब से 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले कूलर चल रहे थे। तो आपको क्या सजेस्ट किया जाता है कि अगर कहीं पानी भरकर रोकना भी है तो उसके ऊपर तेल डाल दो। मिट्टी का तेल, देखो मिट्टी का तेल अगर आप कूलर में डाल दोगे तो फिर तो नहीं, फिर तो वो मेहमानों को भगाने का तरीका हो गया। किसी भी तरह का तेल आप डाल दीजिए, कोई भी तेल आप डाल दीजिए, कोई भी ऑयल। तो ऑयल की क्या प्रॉपर्टी है, ऑयल पानी से हल्का है, वो पानी के ऊपर फैल गया। दूसरी ऑयल की प्रॉपर्टी है क्या, ऑयल की प्रॉपर्टी है कि ऑयल का सरफेस टेंशन वाटर के सरफेस टेंशन से बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए पानी की एक बूंद आपके शर्ट पर थोड़ी सी फैलेगी, लेकिन उतना ही ऑयल अगर गिर जाए तो इतना बड़ा एरिया में फैल जाएगी, क्योंकि सरफेस टेंशन का में फैलता चला जाता है। तो जब आपने पानी के ऊपर एक ऑयल डाल दिया, कोई सा भी ऑयल हो, चाहे रिफाइंड ऑयल डाल दो, अपने घर का खाने का तेल डाल दो, देसी घी डाल दो, कुछ भी होना चाहिए, पिघला होना चाहिए हो। तो क्या हुआ, अब सरफेस वाटर की नहीं रही, अब सरफेस किसकी बन गई, वो अब सरफेस बन गई ऑयल की, जिसका कि सरफेस टेंशन वाटर के सरफेस टेंशन से बहुत कम है। अब मच्छर को तो पता नहीं कि इसके ऊपर ऑयल डाल दिया इंसानों ने, वो जैसे ही उसके ऊपर बैठता है अब वो सरफेस फिल्म मच्छर को नहीं संभाल सकती और वो मच्छर तुरंत डूब जाता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अगर कहीं पानी भरना जरूरी भी है तो उसके ऊपर क्या डाल दीजिए, तेल डाल दीजिए, ताकि मच्छर उसके ऊपर बैठे और डूब के मर जाए उसके नीचे। वहीं का समझ आए इतनी बात, नहीं डूबेगा तो एक्चुअली तेल में वो, लेकिन फिर तो जब नीचे चले जाएगा तो लाश की तरह नीचे बैठ जाएगा, फिर पानी में डूबेगा। अब पानी में डूबे या तेल में डूबे, डूब के मर तो गया है, नहीं भाई, उसके नाक में, उसके फेफड़ों में पानी भरे या ऑयल भरे, मर तो गया ना वो, झंझट से तो छुटकारा मिला। और इसका एक एक फायदा और भी होता है कि जो मच्छर के अंदर लार्वा पनप रहे होते हैं, वो लार्वा बार बार पानी की सरफेस पे आकर के सांस लेते हैं। हालांकि मुझे बहुत डिटेल नहीं पता, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया, देखा, वो घूमते घूमते सरफेस पर आते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, फिर सरफेस पर आते हैं। तो जब सरफेस पर ऑयल आएगा तो उन्हें एयर तो मिलनी नहीं, वहां पर ऑयल पिएंगे मर जाएंगे। ऑयल तो आप उनको बढ़िया वाला कोई भी बढ़िया सा तेल पिला दो तो भी मर जाएगा वो मच्छर, मच्छर की डाइजेशन कर ही नहीं सकता ऑयल को। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती, पहला फैक्टर कि नेचर ऑफ लिक्विड क्या है, दूसरा फैक्टर कि उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या है। अब पानी, पानी के ऊपर एयर है तो यहां सरफेस किसकी है, वाटर की है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होंगी। अब पानी के ऊपर आ गया ऑयल, तो अब ऑयल और पानी के बीच की जो सरफेस है,
अब उनकी सरफेस प्रॉपर्टीज बदल गई, अब वो मच्छर को नहीं संभाल पाएगा, तो इसलिए पहले तो वो डूबेगा तेल में, क्योंकि मच्छर की बॉडी का डेंसिटी, ओवरऑल डेंसिटी, हम कोई भी लिविंग बीइंग है, उनकी लिविंग बीइंग की जो डेंसिटी ऑफ बॉडी है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा होती है, तो फिर नीचे पानी में डूब जाता है वो। सरफेस टेंशन सरफेस की प्रॉपर्टी है, और सरफेस का मतलब ये होता है कि लिक्विड की अपना नेचर क्या है, प्लस उसके ऊपर जो एयर है उसका नेचर क्या। अगर एयर में आपका मॉइस्चर ज्यादा हो गया, अगर ड्राई एयर है पानी के ऊपर तो सरफेस टेंशन कुछ और है, अगर मॉइस्ट एयर है, ढेर सारा मॉइस्चर है, तो सरफेस टेंशन बदल जाएगा। दोनों सरफेस पर डिपेंड है ना ये। सरफेस का मतलब क्या है, दो डिफरेंट मटेरियल्स का सेपरेशन पॉइंट, दोनों ही मटेरियल पर डिपेंड करेगा, समझ रहे बात। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस टेंशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, सेकेंड लिखते हैं इट इज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गिवन लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। यहां इस प्रॉपर्टी को लिखते टाइम ये कह रहे हैं कि लिक्विड की सरफेस के ऊपर एयर ही है और कुछ नहीं है, एयर है, और एयर भी ड्राई एयर, नॉर्मल एयर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं सरफेस टेंशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड द नेचर ऑफ इंप्योरिटी डिजॉल्व इन लिक्विड एंड द नेचर ऑफ वेपर्स प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। इसी में नीचे नोट लिख लीजिए, हायर द टेम्परेचर लोअर इज द सरफेस टेंशन, दैट्स वाई हॉट सूप टेस्ट बेटर। सूप और टी और कॉफी जो चाहे लिख लो, टेस्ट बेटर सिंस सरफेस टेंशन ऑफ हॉट हॉट सूप इज स्मॉल, इट पेनिट्रेट डीप इनटू द टेस्ट बड्स एंड इजिली स्प्रेड ओवर लार्ज सरफेस एरिया ऑफ टंग। अ हाईली सॉल्युबल इंप्यूरिटी इन लिक्विड, अ हाईली सॉल्युबल इंप्यूरिटी इन लिक्विड इंक्रीज इट्स सरफेस टेंशन। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट इन वॉटर, मतलब यह है कि अगर आप पानी के अंदर चीनी या नमक घोल दें तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा वो कपड़े के ऊपर या किसी भी सरफेस पर उतना ही कम फैलेगा, क्योंकि उसके अंदर सिकुड़ने की भी प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा क्या, अगर दूध आपके शर्ट पर गिर जाए, चाय आपके शर्ट पर गिर जाए तो फैल जाती है, लेकिन जलेबी खाते हुए शीरा टपक जाए, चाशनी टपक जाए, वो नहीं फैलेगा, उतना नहीं फैलेगा वो। रीजन कि उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है, वो धागों के अंदर डीपली पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और चाय में भी अगर गरम गरम चाय, गरम कॉफी गिर गई तो वो काफी ज्यादा फैल जाती है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है और वो ज्यादा एरिया में फैल जाती है, करेक्ट। अब क्या लिखा भी आपने, ये नेक्स्ट पॉइंट इसका कॉन्ट्रेरी है, नेक्स्ट पॉइंट इसका कॉन्ट्रेरी है, लिखिए स्पेरिंगली सॉल्युबल इंप्योरिटी। हाईली सॉल्युबल का मतलब यह है कि आपने एक गिलास पानी के अंदर 4 चम्मच चीनी डाली और वो घुल गई सारी की सारी, लेकिन अगर आप एक गिलास पानी के अंदर इतना सा चूना डाल दें, चूना चूना समझते हो जो पान के ऊपर लगता है, पहले पुराने जमाने में दीवारों पर हुआ करता था घर में, है ना, अभी भी होता है क्या, अब नहीं होता।
वो चूना अगर आप डाल दें, 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच चूना डाल दें आप 1 गिलास पानी के अंदर, आप कितने चला लें, वो नीचे बैठा रहेगा, वो नीचे बैठा रहेगा। लेकिन अगर वो जो ऊपर साफ पानी, उसको आप पियेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें चूने का इफेक्ट आ गया, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, बिटर हो जाता है टेस्ट। ये है स्प्रिंगली सॉल्युबल। सॉल्युबल तो है, लेकिन ढेर सारे लिक्विड में एक बहुत छोटी सी अमाउंट ही डिजोल्व हो पाएगी, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल कहलाता है। अब आप बता सकते हो साबुन या जो डिटर्जेंट्स है हमारे, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है या हाईली सॉल्युबल है? हाईली सॉल्युबल है ना? आप साबुन 1 गिलास पानी में पूरी साबुन की टिक्की डाल दो, घुल के खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट साबुन या डिटर्जेंट पानी में घुलते ही नहीं है, ये एक सस्पेंशन बनाते हैं, सोल्यूशन नहीं बनाते। आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया केमिस्ट्री में या नहीं? अभी अभी नहीं पढ़ा, वहां आप आगे पढ़ेंगे कि डिटर्जेंट्स और सोप ये पानी में डिजोल्व नहीं होते। डिजोल्व होने का मतलब यह है जब आपको पता ही नहीं चले कहाँ है, जैसे चीनी आपने पानी में डाली, चीनी नहीं पता है कहाँ है पानी के अंदर, लेकिन आपने पानी में अगर साबुन डाल दिया तो साबुन का इफेक्ट दिखाई, साबुन दिखाई देगा आपको, इसीलिए तो धुंधला हो गया वो, इसलिए तो धुंधला हो गया ना। अगर आपको एक सूटेबल मटेरियल मिल सके, केमिकल मिल सके, आप अगर सोप वाला स्ट्रक्ट होगा अगर आपके सिले, मुझे नहीं पता क्या है केमिस्ट्री में, तो आप साबुन के सॉल्यूशन को फाड़ सकते हैं, वैसे ही जैसे दूध फटता है। दूध क्यों फट जाता है नींबू डालते ही? क्योंकि दूध के अंदर जो फैट है या दूसरा केसीन प्रोटीन वोटीन है, दे आर नॉट सॉल्युबल, वो डिजोल्व नहीं है, वो सस्पेंडेड है, लटके हुए हैं उसके अंदर। जब आप नींबू निचोड़ते हैं तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कुछ उसके अंदर, कुछ आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वो सब मिल गए, इकट्ठे हो जाते हैं, पनीर बन जाए। तो इसी तरह अगर आप सोप सॉल्यूशन के अंदर एक सूटेबल मटेरियल डाल दो, होते हैं कई चीजें, तो फट जाएगा वो, बिल्कुल फट जाएगा, जैसे दूध फटा करता है। लेकिन चीनी अगर आपने पानी में घोल रखी है तो आप उसके अंदर चाहे नींबू डालो चाहे फिटकरी डालो, वो नहीं फटेगा, उसमें भी चीनी अलग नहीं होगी, वो है सोल्यूशन। शुगर का पानी में मिलना है एक सोल्यूशन बनाना, लेकिन साबुन का पानी के अंदर घुलना, घुलना है ही नहीं, वो सोल्यूशन नहीं बना, वो सस्पेंशन बन गया, कोलाइड बन गया वो। तो इसीलिए जब आप पानी के अंदर सोप मिलाते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है, स्पिरिटली सॉल्युबल है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, कम हो जाएगा। स्पिरिंगली सॉल्युबल इंप्योरिटी डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। जब आपने साबुन मिलाया, डिटर्जेंट मिलाया, तो उसका सरफेस टेंशन कम हो गया। यही रीजन है कि अब वो गहराई में से कपड़ों के इस जो फाइबर से इनके अंदर 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 घुस के भी वहां से इंप्योरिटी को, डस्ट को और ग्रीस पार्टिकल्स को निकाल करके बाहर ले आता है। जो कपड़ा आप साफ पानी से नहीं धो सकते, आप आपके कपड़ों पर एक ऑयल लग गया, आप साफ पानी से कितनी कोशिश कर लो, निकलेगा नहीं। आपने उसके ऊपर साबुन लगाया, डिटर्जेंट लगाया, निकल के बाहर आ गया। रीजन, क्योंकि अब उसका सरफेस टेंशन बहुत कम हो गया था, वो उसने अंदर गया, वो डीप इनटू द फाइबर्स, थ्रेड्स के अंदर तक पहुंच गया और वहां से ऑयल को खींच के बाहर निकाल लाया। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्पेरिंगली सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। एग्जाम्पल, सस्पेंशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट इन वाटर, सस्पेंशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर।